हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाली परीक्षा क्लास ट्वेल्थ की, आने वाली परीक्षा कंपटीशन की, आईआईटी और मेडिकल की। एक सजेशन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप जो भी पढ़ाई करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, एटमोस्ट आपका एग्जाम मार्च में है, तो आपके पास यहाँ से दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी 3 महीने हैं। अगर उसमें काट छांट लिया जाए तो आपके पास 2 से 2.5 महीने ही बचे हैं, और इन महीनों में सबसे ज़्यादा असर होता है पढ़ाई का, यानी इन महीनों में यदि आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो काफ़ी मायने रखेगा। यानी आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है उसको ज़रूर देखें, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्वेश्चन बैंक बनाएं पिछले 10 सालों का, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक बनाने के साथ साथ सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करें, और प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसको स्किप ना करें, उसको दें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और जहां तक आईआईटी और मेडिकल वालों की बात है, तो आप बोर्ड और कंपटीशन को दोनों को कोऑर्डिनेटेड करके पढ़ाई करें, और आप बोर्ड का जो सिलेबस है और जो कंपटीशन का सिलेबस है, चाहे वो आईआईटी का हो या मेडिकल का हो, उन दोनों को कोऑर्डिनेटेड करके करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और उन विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी वेट में हैं लाइव क्लासेस के लिए, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली होगी, विद इन अ वीक मैं उसे शुरू करूंगा 10 या 15 तारीख तक। तो आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें, सारी चीज़ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट कराई जाएगी। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।